अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारोज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डफेस में फुटपाथ स्कूल पर। ये स्कूल वो है जहाँ पर उन बच्चों को तालीम दी जा रही है जो बच्चे मजदूरी करते थे या जो बच्चे भीख मांगते थे, उनको यहाँ पे तालीम जैसी नेमत से नवाजा जा रहा है। और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है माशाल्लाह। और इन बच्चों की जब मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे कितने ज़्यादा ज़हीन और आज मैसा मौजूद हैं। मोहम्मद शायन, माहिरा और यहाँ की जो बानी है स्कूल की, फुटपाथ स्कूल की जो बानी है वो है मैडम सईदा इन्फास अलीशा, जिनकी मैं आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करवाऊँगी। वो थोड़ी देर बाद आएंगी तो मैं आपकी उनके साथ मुलाकात करवाऊँगी। और इस वक्त मैं बदर कमर्शियल की जिस ब्रांच पर मौजूद हूँ इसके इंचार्ज है मैडम नीलोफर। आए उनसे मुलाकात करते और कुछ बातें करते हैं। तो आप कौन सा पहला बच्चा था जो इस स्कूल में दाखिल हुए थे, राम उन्हें किस तरह माता थे? उसके बाद आस्था कर जो है उसको आया और हमारे फंड नहीं है, फंड ना होने की वजह से हम प्राइवेट चला रहे हैं। हम इनको फ्री एजुकेशन देते हैं, जो यूनिफॉर्म जूते कपड़े उनका खाना पीना इनको सभी चीज़ वाले हम इनको मिल देते हैं, ताकि इनके पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये करवाने जाते हैं नजरिया नहीं है तो वो ट्रांसफर इनको हम खाना देते हैं, उनको हम देते हैं शाम में जो स्कूलर्स स्नैक्स वगैरह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। तो अब ठीक है, उसके मौके पर हम इनको जूते कपड़े राशन और इनकी हेल्थ क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग इनकी इनकी फैमिली से हम लोग बच सकते हैं। अपनी मदद आपको हमें कहीं कहीं हमारे से कहीं परेशानी नहीं है, हमारे अपने पेरेंट्स रिश्तेदार जो हमारी मदद करते हैं। जो कोरोना है, कोरोना की वजह से जो है डिस्टर्ब हुआ है, बच्चे तो देखें मुझे भी बुलाए तो बच्चे दौड़े आते हैं, बच्चे मोटिवेटेड हैं, उतना पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वो फौरन आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी चूँकि कोरोना की वजह से फन एक्चुअली बहुत कंटिन्यू करना मुश्किल आ रहा है। सब लोगों से मेरी अपील है पाकिस्तान में ऐसा से बाहर खड़े पाकिस्तान इनको मौका चाहिए, इनको सिर्फ मौका चाहिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आए हम उन बच्चों से बात करते हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए मैं इंटरेस्ट करूँगी कि हमने तीन गाड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है, बोला ना बड़ा साहब आते हैं उसमें तमाम बच्चे और बच्चे मौजूद हैं। रोज सुबह 7-8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे बच्चों के पास ब्रांच के लिए हमने दिन चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि दीनी तालीम के साथ स्कूल तालीम भी होना बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम बच्चों से आगे बच्चों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? कौन
दूसरी क्लास में आप तीन क्लास में आप यहाँ पे कब से पढ़ी दो साल हो गए दो साल हो गए कोई आपको नाट आती है आपने कोई ड्राइंग ड्राइंग बनाई है आपसे ड्राइंग ड्राइंग आपकी ड्राइंग बनाई है आपने से ड्राइंग बनाई ड्राइंग बनाई है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है इन्होंने देखिए बहुत स्कूल बनाया इन्होंने अपना स्कूल बनाया है अपनी दोस्तें बनाई कि ये हमारा स्कूल है माशाल्लाह बहुत ड्राइंग बनाई है अभी इसमें कलर भी कीजिएगा बेटा क्या नाम है आपका रुपैया नाच आती कोई नाच नहीं थोड़ा मास्क नीचे करिए मेरी फूल बोलता मैं मोहम्मद या रसूलल्लाह मोहम्मद जब हुए बैठा खुदा ने लोग बसाया था उनकी चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए चलो बहनो चलो मानो खुदा को मुंह दिखाना खुदा हो गया खुदा लक्ष्मी खुदा बंदे से बता तेरी रजा क्या है बता तेरी रजा क्या है जिंदा झुक के बोले बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है रुपैया ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है बनाया है अपना बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है और इसमें बहुत ही बनाई है बहुत अच्छी बनाई है देख के ड्राइंग बहुत अच्छी लगाई है और आप चलिए अभी क्या आपको अपने भूल कौन सिखाया अगर आपके अबुआ जिंदा होते हैं अगर कौन सी क्लास में आपके अबू देखते क्या वन क्लास में पढ़े तो आप अबू आपकी क्या उनको बहुत सा फखर होता बनना चाहते हैं बड़े क्या बनना मैं भी सोचती क्या बड़े क्या बनना चाहते हैं टीचर बनना चाहती हैं आप बड़े होकर इंशाल्लाह आप दुआएं आपने इसी तरह मेहनत करनी है और हम सबकी दुआएं आपके साथ आप बड़ी टीचर बनूंगी और आपने हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत नहीं हारना जी देखिए आप क्या बोल रहे हैं हमने हिम्मत नहीं आनी है ना हमने हिम्मत नहीं आनी हमने पढ़ना है हमें कुछ बनना है तो आपके अबू कुछ भी होंगे क्या हमें बेटी कुछ पढ़ गई है लिख कर बन गई तो हमें टीचर बनना है सही है होने नहीं आती अभी तो हमें बोल कर करना हमें करने बहुत ज़्यादा हमें पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना है ना ये हमारे सबसे आई थी छोटी सी बच्ची मुझे क्या नाम है आपका सादिया हाँ देखो आपका नाम है सादिया नाच आती है नाच नाच
हमने बहुत अच्छी आपने नाच सुनाई है, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और अभी हम उनकी मिस से मिलेंगे। ताल्लुक है मेरा और उस गुप्पाटी स्कूल में एज ए एडमिन ऑफिसर काम करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने स्कूल के बारे में बताना चाह रही थी कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 600 बच्चों की तादाद है जो मॉर्निंग और आफ्टरनून के दोनों में पढ़ते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चे आए हैं उनको बहुत पढ़ने का शौक है। आप देखेंगी, आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखें, जब मोस्टली बच्चे आपको ये बताएंगे कि हम फौज में जाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इन बच्चों में बहुत जज्बा है। और वैसे भी एपीएस के वाकया के बाद जब हम इन बच्चों को लेके चले थे तो हमने इनके अंदर वो वाला जज्बा इम्प्रूव किया है कि ज़रूरी नहीं कि फौज ही बॉर्डर पर जाके बैठे, हम सिविल उनके साथ साथ हैं, हर कदम में उनके साथ हैं। और ये बच्चे खसूसन इनमें इतना जज्बा है कि ये हर कदम में उनके साथ, वो कहते हैं कि फौज के साथ हम खुद खड़े होंगे लड़ेंगे। और हर दूसरा बच्चा हमारा माशाल्लाह कहता है कि मैं फौजी बनूंगा, फौज में जाऊंगा। और हमारे मुस्तक हमारे मुल्क की तकदीर बहुत खूबसूरत खातून है, कोई दुश्मन ये ना समझे कि हमने इनकी फौज को नुकसान पहुँचाया है तो हम इनके कब्जा कर सकेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा बच्चा बच्चा पूरी फौज है, वो हमसे कभी भी जीत नहीं सकते। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। हम तो जितना कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे के साथ की। तो अगर वो हमारा साथ देंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे हमारे नहीं, ये पूरे मुल्क कौम की अमानत है, उनके भी बच्चे हैं, कि इनको भी पूरा हक है कि ये बहुत आगे जाएं और आम बच्चों की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ साथ चलें और अपने मुल्क की तरक्की का बाइस बने। और इसमें यह है कि अगर आप हमारे पास हमारे साथ कोई तावन करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें हमारा गूगल पे अकाउंट है, ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं। जैसे ही आप हमारा लिंक ओपन करेंगे तो आपको हमारे अकाउंट नंबर्स, हमारे फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि इन बच्चों के लिए प्लीज़ तावन करें ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सकें। जो कोरोना वायरस आ गया है बीच में, तो इन कोरोना वायरस की वजह से क्या मुश्किल आ गई बच्चों की तादाद कम होने पड़ने की? कोरोना वायरस का देखो बेटा, इस पर हमारे इसमें कोई इतना मतलब असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि हमें अगर इन्हें कोरोना वायरस से बचाना है तो ये तो बच्चे सारा चीज़ सारा सीख कर कोरोना वायरस जो आए हो, लेकिन मुश्किल जो आएंगी जिसे कमी आ रही है उसमें ही वे। आजकल एडमिशन तो बिल्कुल वैसे भी हमारे पास इतना नहीं आता, हमारी प्रेसिडेंट जो है मैडम फासिली शाह रेड्डी, जैसे भी वो अपने ओन से ही सारा कुछ करती हैं, तो उनकी जो एक टीम है उसकी ये टीम वर्क ही है। लेकिन ये है कि हमारे पास कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से ना लोगों की तरफ से कुछ ऐसा प्रॉपरली कोई हेल्प नहीं है, तो हम चाहेंगे कि अब हमारे साथ करें ताकि इन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकें।
और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगी कि कोरोना वायरस जो है वो भी हम मतलब उन्हीं लोगों के लिए जो इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब देखिए ये सारा ये बच्चे तो सारा दिन रोड पे ही रहते हैं, इनको बल्कि हम अगर इनको स्कूल में बिठाएंगे तो ये कोरोना वायरस से बच जाएंगे। ये प्लीज़ सही से बच्चों की तरह समझे, उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ये लोग ईद मनाएंगे। वैसे तो इन बच्चों के लिए ईद का दिन भी आम ही दिन होता है, क्योंकि जो ईद होती है इनको पता नहीं होता कि ईद है, क्योंकि ईद भी इनके लिए वही बाकी दिनों की तरह आम दिन होता है। लेकिन हम इनको बताएंगे कि ईद है, इनको नए कपड़े लेके दे। ये आप एक हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया कि जो गरीबों यतीमों जो गरीबों और जो यतीमों की जो मदद करते हैं, उन्हें पढ़ाते या जो भी है उन्हें खिलाते हैं, तो क़यामत वाले दिन वो जन्नत में मैं और वो इस तरह होंगे, यानी जन्नत में वो शख्स और मैं जिसे उंगलियों में गेर थे, इन दो उंगलियों में जिससे वो और मैं हम लोग खड़े होंगे। तो आए भी बात करते हैं, मेरे नाम में बड़ी मेहनत में बात करनी है, बड़ी मेहनत। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन सी क्लास में आप? के जी क्लास में आप। और आप बड़ों के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरे इलाज करेंगे मेरे बीमार करेंगे मेरे इलाज। अच्छा, तो आप हमें अभी क्या काम करते हैं? तो आप बड़े पढ़ लेकर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो आपने दिलो जान से मेहनत करनी है, तो आप लोग डॉक्टर बन के दिखाएंगे। चलिए आपको कुछ पोयम आती है, पोयम सुना दें। क्या रोटी पानी करा? तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अल्फाज अली चौधरी। सैयद, क्या नाम था? सैयदा अल्फाज अली चौधरी। सैयद अल्फाज अली चौधरी, जिन्होंने ये स्कूल बनाया, जिन्होंने की मेहनत जो रंग ले आई। तो आए हम बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करें। आपके दिल में किस तरह यह आइडिया आया कि इन बच्चों के बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ, लेकिन बावजूद आप इन बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो आपको दिल में कैसे ख्याल है कि मैं स्कूल बनाऊँ? ये जो मेरा ख्याल है, ये आपका ए पी एस जो सामया हुआ था हमारा पिशावर में ए पी एस का, तो उन बच्चों की जो शहादत हुई और जिस तरह तालीम की दुश्मनी शुरू हुई थी, तो उससे मुझे सिंजोरा वैसे भी महसूस करेगी अपना कि अब हमें उन बच्चों को भी पढ़ाना है जिनको ये ऐसे गंदी में इस्तेमाल करते हैं, क्राइम्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये हमें समझते हैं कि स्कूल के अंदर डराएंगे, तो अब जो सड़कों पर रहते हैं हम उन्हें सड़क पर भी पढ़ा के दिखाएंगे। तो ये एक जज्बा काम कर सकती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और रुकावटें आई, लेकिन अल्लाह ताला साथ देता है और फिर माशाल्लाह सबने दिखा के इतनी बड़ी तादाद है जो प्योर चिल्ड्रन हैं, जो आप लोग कहते हैं माफिया के अंदर होते हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ के देखा, माशाल्लाह वो बच्चे को भी पढ़ा दिया। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लेगी अगला। तो जैसे ये जो स्कूल है, तो इनकी जो बच्चों की जितना भी मतलब इनकी जो जितना भी सब कुछ जो हैंडल होते हैं, तो कोई डोनेशन देते हैं आप? हम अपनी मतलब आपके तरफ डोनेशन करते हैं, हमें इंटरनेशनली लोकल गवर्नमेंट कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, बस अल्लाह ताला साथ देता है और मुश्किल काम करने में तो वैसे ही मजा आता है। जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ अल्लाह ताला है। तो
हमने देखा कि ये वो बच्चे हैं जिनका बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन यहाँ पे उनको बर्बाद स्कूल पे पढ़ाया जा रहा है। तो हम अपने स्पॉन्सर डेडी ब्रदर्स और नेकी फाउंडेशन के बहुत बहुत शुक्र है, जिन्होंने हमारे इन ट्रांसमिशन के लिए सावन किया और आज उन्हीं उन लोगों ने हमारे साथ सावन किया। तो आज हम प्रोग्राम करने इन बच्चों के साथ आए हैं, मंदिर में जो प्यारे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन इन्हें मौका चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो सड़कों पर भीड़ ना होते या फिर काम कर रहे होते या फिर मजदूरी कर रहे होते, लेकिन माशाल्लाह मेरे तालीम है और उनको यहाँ पे तालीम दी जा रही है। यहाँ पे उनको रोज की टोकन मनी देते 50 रुपए, खाना देते रमजान है इनकी, रमजान में इनको राशन देते, ईद पे इनको मार्केट लेके जाते हैं, वहाँ इनको नए कपड़े और बहुत सारी जरूरत की चीजें लेके देते हैं और इनका हर और इनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है कि इनको किस चीज़ की तकलीफ। और इन बच्चों को स्कूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, वो रोज़ आते हैं पढ़ते, और माशाल्लाह यही हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रोशन है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनको पढ़ाए। अगर हम इनको भीख नहीं दे, हम जो भीख मांगे थे हमें उनको भीख नहीं, हम उनको भीख नहीं दे, ये हमारी खुद की गलती कि आज हमारे मुल्क में इतने ज्यादा लोग भीख क्यों मांग रहे हैं। तो आज की जो मेरा पैगाम है, आज की जो मेरा पैगाम है वो ये है मायरा, तो आप बताएंगे कि बच्चों में क्या क्या कहने हैं। बच्चों में पढ़ाई का भी टैलेंट है और कुछ टैलेंट है। तो आज की जो मेरी वीडियो का जो पैगाम है वो ये है, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे वहीं पर। अल्लाह हाफिज़।